वार्ड क्रमांक 41 राजधानी भोपाल पार्षद चुनाव संपन्न हुआ। यहां 8 प्रत्यक्ष एवं 27 पोलिंग बूथ हैं। क्षेत्र के 22,000 से ज्यादा मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया। मुख्य मुकाबला भाजपा और कांग्रेस के अंदर है। कांग्रेस के प्रत्याशी मोहम्मद फहीम ने आरोप लगाया है कि भाजपा के पदाधिकारी क्षेत्र में मनमानी करते दिखाई दे रहे हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी के रेहान सिद्दीकी के समर्थकों का कहना है, विकास के मुद्दे को लेकर लाडली बहनों के बीच में हम जा रहे हैं। बहरहाल जो भी हो, आगामी 8 फरवरी को मतगणना होगी। देखना दिलचस्प होगा कि किसका पलड़ा भारी है और किसकी विजय होती है। नमस्कार, इस वक्त मैं मौजूद हूं भोपाल के वार्ड नंबर 41 में, जहां पर 27 पोलिंग बूथ और करीब 22,000 से ज्यादा मतदाता मौजूद हैं। 8 प्रत्याशी खड़े हुए हैं। भाजपा और कांग्रेस के बीच में कड़ी टक्कर देखी जा रही है। कांग्रेस का कहना है कि यहां पर मनमानी की जा रही है, वहीं भाजपा का कहना है कि वह विकास के मुद्दों को लेकर कदम उठाएंगे। अब देखना यह है कि किसकी विजय प्राप्त होगी। कैमरामैन साहिल के साथ मैं अमृता शर्मा, देखते रहिए फास्ट समाचार भोपाल। रेहान सिद्दीकी को खड़ा किया है समाज सेवा, जैसा देख रहा है चुनाव। वार्ड 41 का जो चुनाव ऐतिहासिक होने वाला है, डॉक्टर रेहान जो है प्रचंड मतों से जीतने वाले हैं। विकास का एजेंडा है और वार्ड 41 के समस्त बंधुओं ने इस बात का संकल्प लिया है कि इस बार डॉक्टर रेहान को जिताकर, और जो वार्ड 41 में 3 पंचवर्षीय योजना में जो काम नहीं हुआ है, उस काम को डॉक्टर रेहान के नेतृत्व में कराना है। ऐसे ही उत्साह लोगों में देखने को मिल रहा है, जीत सुनिश्चित है। सर, आधा पैर बीत गया है, अभी तक कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है? जनता का प्यार कितना मिल रहा है? जनता का जो प्यार और इसने जो मिल रहा है, डॉक्टर रेहान के प्रति लोगों में उत्साह का माहौल है, और युवा और महिलाएं और हमारी जो बहनें हैं, लाडली बहना जो है वो वार्ड नंबर 41 में अपना फैक्टर चल रहा है। तो लाडली बहनाओं से भी एक बात सुना, मुस्लिम हमारे परिवार सदस्य जो है वो खुश है। मुस्लिम बहनें भी वार्ड 41 में भारतीय जनता पार्टी हमारे डॉक्टर रेहान सिद्दीकी को जिताने की भरपूर कोशिश चल रही है, जीतना सुनिश्चित है। पूरा नाम आपका? हेमराज कुशवाहा। इसमें इस बार चुनाव हो रहा है, अभी तक जनता का कितना प्यार आपको मिल रहा है? काफी यहाँ पर जनता का भरपूर समर्थन मिल रहा है, मोहब्बत मिल रही है, प्यार मिल रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का षड्यंत्र और गुंडागर्दी देखने को मिल रही है। पूरा प्रशासन जो है कांग्रेस कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित कर रहा है, पुलिस प्रशासन भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित कर रहा है। हर तरीके से कुछ भी करने को तैयार है भारतीय जनता पार्टी ये सीट जीतने के लिए। लेकिन कांग्रेस का सीट है वो कांग्रेस इंशाल्लाह जीत के रहेगी और ये मुंह की खाएंगे। सर, किन मुद्दों को लेकर आप कांग्रेस समस्याएं? पूरी समस्याएं इस वार्ड के अंदर है, क्योंकि पिछले 18 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। इस वार्ड के अंदर सोतेला व्यवहार होता है। यहाँ पर सांसद जो है भारतीय जनता पार्टी का, महापौर जो है भारतीय जनता पार्टी का, विधायक पावरफुल मंत्री जो है विश्वास सारंग जी इसी क्षेत्र से आते हैं, लेकिन यहाँ पर विकास देख लो आप, अधूरा पड़ा है। यहाँ पर सिर्फ जुआ सट्टा और क्या नाम से अवैध गांजा ये चलता है, और वो भी भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है वो लोग करते हैं, उनके साथ वाले करते हैं। मैं तो खुलेआम आरोप लगा रहा हूँ। और यहाँ पर पूरे नरेला के जितने भी भारतीय जनता पार्टी के पार्षद है वो आज इस वार्ड के अंदर मौजूद है, देख लीजिए आप। खुलेआम गुंडागर्दी कर रहा है, बूथों पे कब्जा करना चाहते हैं, लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ता मुस्तैदी से यहाँ पर मौजूद है। सीट जो है कांग्रेस जीतेगी। मेरा बच्चा बस दुआ कर रहे हैं, मालिक सही फैसला करा है। जी जी, समझ गया। क्या क्या समस्याएं हैं यहाँ पर? अरे बहुत समस्या है यार बेटा, सड़कें नहीं बन पा रही, बहुत ज्यादा यहाँ गदर मस्ता, लड़ाई झगड़ा बहुत होता है इधर। कब से सड़कें नहीं बनी है? कहाँ, कितने साल हो गए सड़क ही नहीं बन पा रही, बनवाएंगे ऊपर वाला। अच्छा, बस आपने वोट डाल दिया अपना? डाल दिया। वार्ड नंबर 41 में लगभग 27 यहाँ बूथ बनाए गए, सुरक्षा के नजरिए से क्या व्यवस्थाएं की गई? सुरक्षा के नजरिए से जितने भी जो बड़े पोलिंग बूथ है, यहाँ पर 5 या 7 लोग हैं, वहाँ पर हमारे द्वारा आर्म्स का फुल फोर्स लगाया गया है। करीबन 4-5 मोबाइलें सभी क्षेत्र में घूम रही हैं। इसके साथ में करीब 3 TI लोग जो हैं, TI जहांगीराबाद, TI बजरिया, और मैं ACP स्वयं यहाँ पर लगातार भ्रमण कर रहा हूँ, और हमारे एडिशनल सर जो हैं सभी लोग भ्रमण कर रहे हैं, और बाकी आप देख ही रहे हैं सभी जगह। बल का प्रयोग किया जा रहा है? अब काउंटिंग में देखा जाएगा तो करीबन 80-100 के करीब तो बल लगा ही है सभी पोलिंगों पे। सर, सुबह से अभी तक किसी भी बूथ पे किसी तरीके की कोई घटना? नहीं, सभी जगह शांति चल रही है और अच्छे से मतदान हो रहा है। और चूंकि ये जैसा आपको मालूम है कि पार्षद का उपचुनाव है, तो सभी लोग अच्छे बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। थैंक यू।
पर वोटिंग चल रही है वार्ड 41 में, किसी प्रकार की कोई छिटपुट घटना तो सामने नहीं आई? नहीं, कोई भी घटना नहीं है, बिल्कुल शांतिपूर्ण रूप से तरीके से चल रहा है मतदान और व्यवस्था पूरी लगी हुई है ना। थैंक यू।